गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक यूजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो फर्स्ट यूज है इनपुट वैलिडेशन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके वेब फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन एंटर की जा रही है उसको चेक करना कि वो इन्फॉर्मेशन जो यूजर ने एंटर की है वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को इनपुट को वैलिडेट करना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू वैलिडेट द इनपुट। ठीक है, डाटा एंटर्ड इन द वेब फॉर्म शुड बी वैलिडेटेड बिफोर इट प्रोसेस्ड। ठीक है, सर्वर पे जाने से पहले जो भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में एंटर की जाती है वो सर्वर पे जाने से पहले वो चेक होती है, चेक करता है, कौन चेक करता है, जावास्क्रिप्ट, कि वो जो इन्फॉर्मेशन जो इनपुट यूजर ने दी है वो वैलिड है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फॉर्म कोई फिल कर रहे हो, ठीक है, और उसमें एज वाला कॉलम में आपने एज लिख दी 41.5। ठीक है, तो जो एज है वो 41.5 तो होती नहीं है। ठीक है, या तो 41 होगी या 42 होगी, इस तरह से होगी। ठीक है, तो ये सब चेक कौन करता है, जावास्क्रिप्ट करता है। ठीक है, अगर आपने 14.1 दिए, 41.5 दी है, ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट है वो एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का काम क्या है, इनपुट को वैलिडेट करना, इनपुट को चेक करना कि वो जो इन्फॉर्मेशन एंटर की गई है वो वैलिड है भी कि नहीं है। अब सेकेंड है माउस रोल ओवर इफेक्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम माउस रोल ओवर इफेक्ट जो है क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, माउस रोल ओवर इफेक्ट का मतलब है, जैसे अगर आप किसी बटन के ऊपर, जैसे मान लो ओके का बटन है, ठीक है, ओके के बटन पे जब आप माउस को मूव करोगे, ठीक है, माउस इसके ऊपर ले जाओगे, तो इसमें डिफरेंट टाइप के इफेक्ट जो है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप माउस को इस बटन के ओके बटन के ऊपर क्लिक करने के लिए ले जाओगे, ठीक है, तो या तो इसका हो सकता है कि कलर उसका चेंज हो जाए, या फिर ये जो बटन है ये थोड़ा ब्लिंक करे, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम इफेक्ट इस बटन के ऊपर, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू क्रिएट डिफरेंट बटन्स विद इंटरेस्टिंग माउस रोल ओवर इफेक्ट व्हेन यूजर मूव्स द कर्सर ओवर द बटन। जब कर्सर जो है वो इस बटन के ऊपर जाता है, किसी बटन के ऊपर जाता है, तो क्या होता है कि डिफरेंट जो इफेक्ट होते हैं, जो भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आपने क्रिएट किए होते हैं, वो सारे के सारे इफेक्ट इसमें शो होते हैं। ठीक है, अब ये इफेक्ट डालने से क्या फ़ायदा हो रहा है, इससे आपकी जो ब्राउजिंग जो है बहुत अच्छी हो रही है, मीन्स उसमें जो अट्रैक्टिवनेस आ रही है, ठीक है, तो वेबसाइट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, ब्राउजिंग को इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ये इफेक्ट जो है क्रिएट किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है पॉपअप विंडोज। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से पॉपअप विंडोज क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, पॉपअप विंडोज जो है किसी भी साइज की हो सकती हैं, जो कि हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो पॉपअप विंडो क्या होती है, जैसे मान लो अगर आपने कोई भी फॉर्म है पूरा कंप्लीट आपने कर लिया और ओके बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो एक जब उसको ओके करने के बाद जो एक न्यू विंडो ओपन होती है, जैसे न्यू विंडो ओपन होती है और वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है कि योर फॉर्म इज सबमिटेड। ठीक है, तो पॉपअप विंडो क्या होती है कि एक कि वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट के लिए जो है यूज़ की जाती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज़ यूज टू क्रिएट पॉपअप विंडोज, दीज विंडोज आर नॉर्मली यूज टू डिस्प्ले द इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ऑफर्स एंड न्यूज एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट यूज है डायनेमिक कंटेंट्स। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम किसी वेब पेज में डायनेमिक कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप क्या होता है, कोई भी वेब पेज में आपकी जो डेट एंड टाइम क्या होता है, डिस्प्ले होता है, तो डेट एंड टाइम जो है वो करंट डेट एंड टाइम जो है उसमें शो होता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम डायनेमिक कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ यूज़ क्या है इसका, देखो फिफ्थ यूज़ है यूज़र इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, अब यूज़र इंटरेक्शन
ज़्यादा हो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करती है। डायनेमिक वेब पेज क्या होते हैं, जिसमें यूज़र की इंटरेक्शन ज़्यादा हो, ठीक है। तो यूज़र की इंटरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका फेसबुक है, ठीक है, तो उसमें अगर आप कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, यूज़र इंटरेक्ट कर रहे हैं वेबसाइट के साथ, ठीक है। तो यूज़र इंटरेक्शन इंक्रीज करने के लिए जो है जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो फर्स्ट एडवांटेज है स्पीड, ठीक है। एज यू नो कि जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो ब्राउजर साइड पे रन होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट को सर्वर से कोई किसी भी रिस्पॉन्स का जो है वेट करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जो जावास्क्रिप्ट है वो फास्ट होती है, क्योंकि ये ब्राउजर साइड पे रन होती है और सर्वर से किसी रिस्पॉन्स की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बीइंग क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट इज़ वेरी फास्ट बिकॉज एनी कोड फंक्शन कैन बी रन इमीडिएटली इंस्टेड ऑफ हैविंग टू कॉन्टेक्ट द सर्वर एंड वेट फॉर द आंसर, ओके। नेक्स्ट एडवांटेज सर्वर लोड, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड है और इसको रिस्पॉन्स के लिए सर्वर की ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सर्वर पे जो लोड होता है, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, रिड्यूस करती है सर्वर सर्वर लोड को, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस में क्या है कि कोई भी ब्राउजर जो जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड है, ठीक है, उसमें जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो इजीली रन हो सकता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, एनी जावास्क्रिप्ट एनेबल्ड ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेटेड जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है ब्राउजर कंपैटिबल, ठीक है। ब्राउजर कंपैटिबल मीन्स सभी ब्राउजर को सपोर्ट करता है, ठीक है। जो जावास्क्रिप्ट है वो जितने भी अभी के मॉडर्न जो भी ब्राउजर हैं उन सभी पे इजीली रन हो जाता है, ठीक है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ जावास्क्रिप्ट हैविंग एबिलिटी टू सपोर्ट ऑल मॉडर्न ब्राउजर एंड प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है इजी टू डिबग एंड टेस्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, कोड को कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती, उसमें अलग से कोई कंपाइलर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मीन्स जो कोड होगा वो लाइन बाय लाइन चेक होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लाइन बाय लाइन चेक करने से क्या होता है कि किसी भी कोड को में एरर फाइंड करना इजी हो जाता है, ठीक है, उसको डिबग करना इजी हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एडवांटेज है प्रोसीजरल कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट जो है प्रोसीजर लैंग्वेज की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जैसे चेकिंग लूप्स, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, ये सारी की सारी जो है जावास्क्रिप्ट जो है प्रोवाइड करती है।